परम पूज्य और परम पिता परमात्मा को जान गए हो ना, अर्थात अपने बेहद बाप को समझ गए हो ना। आत्मा ही तो समझेंगी ना, आत्मा भी वैसे इस आंखों से तो नहीं देखी जा सकती है, देखी जा सकती है नहीं, तो परमात्मा को भी तो आ भले इस आंखों से नहीं देखते हैं परंतु जानते हैं कि हम आत्मा, जो भी मैं आंखों से यहाँ देखी जाने वाली नहीं हूँ आत्मा, परंतु मैं जानती हूँ मैं आत्मा हूँ। आत्मा को भी तो जाना जाता है ना, तो परमात्मा को भी जाना जाता है, भले दिव्य दृष्टि से देखे भी, परंतु भला देखा ना, हाँ फिर भी तो उसके लिए जानना पड़े कि देखी हुई चीज क्या है, का ऑक्यूपेशन उनका पहचान, तो सब फिर बुद्धि से जाननी पड़ेगी ना, जान कर करके तो बुद्धि से फिर उसे याद रखना है। तो ये सब ऐसे भी नहीं है जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो वो कोई ज्योति रूप का बैठक करके ध्यान करने का है, ऐसा भी नहीं है तो उनका कोई ध्यान रखने का है नहीं, ये तो बुद्धि से बाप है। जैसे बच्चे को बाप सारा दिन कोई उनका फोटो रख कर करके थोड़े ही, या फोटो सामने ला कर करके मानसिक भी कहीं करते हैं नहीं, मानसिक वो मूर्ति को ला कर करके मानसिक पूजा करते हैं, सारी पूजा मानसिक करते हैं, ये करते हैं कहीं, ये सब भक्ति मार्ग में तो बहुत, ऐसा भी नहीं है। ये तो बाप के हैं प्रैक्टिकल, हाँ, और बाप को याद रख कर करके बाप का जो फरमान है, बाप की जो आज्ञा है उसी को पालन करते रहना है, ये है उनका फरमान। बाकी ऐसे नहीं कहता मेरा सारा दिन तू हाँ मेरा चित्र बुद्धि में मानसिक भी रख कर करके आ खाली तू उसको आ देखते रहो ना, ना कहते याद रखो, मुझे याद रख, मुझे भूल ना, ऐसे ना मुझे देखते रहो। कहा भी है गीता में भी है, मन मना भव, मन को निरंतर मेरे में स्थित कर, अर्थात तो मन को स्थित माना, मन बुद्धि से तो याद में जी जाएंगी ना। बाकी ऐसे भी नहीं है तो उसका बैठ करके ध्यान कर या उन्हें चित्र का, या वो उसके लिए तो फिर बैठना पड़े ना, अगर उसके चित्र का ही ख्याल करे तो ख्याल करने के लिए चित्र मानसिक भी या तो बैठना पड़े नहीं, वो कहते नहीं तो मेरा ध्यान रख याद रख, और मैं कौन हूँ किसकी संतान हूँ। जैसे लोक रीति में भी बाप का खानदानी का बाप के पोजीशन का तो ध्यान रखा जाता है नहीं, बाकी सारा दिन बाप का फोटो चाहे मानसिक भी फोटो गरी गरी फोटो 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 हाँ उनको थोड़े बैठ करके यहाँ देखेंगे हाँ कौन सा बाप है, बाप का ऑक्यूपेशन क्या है, बाप की पोजीशन क्या है, मैं ऐसे बाप का बच्चा हूँ और ऐसे बाप के बच्चे का क्या फर्ज है, और मुझे भी बाप को फॉलो करना है, बाप के खानदानी को बाप के कुल को अथवा पोजीशन को कोई लग्न जाए कुछ का, इसीलिए वो ख्याल रखेंगे कि हमारे कर्तव्य में कोई ऐसी बात ना हो, हाँ मेरा कर्तव्य अच्छा रहे। और अच्छा कर्तव्य भी कैसे अच्छा होता है उसका भी बाप ने बैठ कर करके समझाया है। तो ये सभी चीजें बुद्धि में रख कर करके अपने एक्शंस को ठीक रख कर करके चलना है। तो ये है बाप से याद अथवा बेहद बाप की हम संतान है जो बुद्धि में रखने का है। तो गीता में भी पहले पहले मन मना भव का है, फिर बीच में का, फिर एंड में का है, हा? तीन बार है उसमें मन मना भव का बैठ कर करके सुनाया है। तो आखिरी में भी पहले में भी और मध्य में बीच में भी ये वार्निंग दी है कि बच्चे बाप को याद रख। तो है मूल बात यही है और इसी से ही हमको बाप से बल मिलना है अपने पापों को, क्योंकि अभी तो पाप आत्मा है ना, तो उसको अभी स्वच्छ बनाना है, इसीलिए इसके याद की मदद लेनी है, तो पापों को नाश कर करके।
इसलिए कहते अब यहाँ इसी से ही तुमको बल मिलेगा, इससे ही तुम्हारे कर्म भी ऊंचे रहेंगे। यहाँ भी तुम कर्म ऊंचे का बल तुमको दे, पाप का बोझा नाश होगा ना, तब अगर पाप का बोझा सिर पर होगा तो फिर तुम्हारा यहाँ भी कर्म ने वो मैल चढ़ी हुई है, मैल उतरती जाए तो तुम्हारे को भी कर्म करने का वो आवे रोशनी। इसीलिए बाप कहते याद करो और अपने कर्म को भी संभलते और स्वच्छ बनाते चलो। तो ये तो मुख्य बातें बुद्धि में अच्छी तरह से रख लेने की है, बाकी है नॉलेज सारा। और बाकी नॉलेज के लिए तो देखो कई किस्म के है, आज कितनी मत है, कितनी विचार है, कितने रास्ते, कितने सभी बातें हैं, उसी के लिए फिर ये सब बातें समझनी और समझानी पड़ती हैं। वास्तव कर करके कोई हमको बाप को जानने के लिए इतनी सभी बातों के जानने की जरूरत नहीं है, परंतु ये जरूरत तभी रही है कि जबकि अभी यहाँ दूसरे विचारों ने बहुत बहुत रास्ते बना रखे हुए ने अनेका अनेक, इसीलिए फिर उसी बातों को फिर बैठ कर करके बाप कहते हैं कि समझो और दूसरों को समझा। तो दूसरों को समझाने के लिए फिर ये सभी इतनी पॉइंट्स बुद्धि रखनी पड़ती हैं, और अपने भी कई यहाँ जो बहुत काल से सुना है तो उन्हीं सभी बातों को भी जो उल्टी पड़ी हुई है ना बुद्धि में बातें, तो उन्हों को भी थोड़ा किस तरह से हमारे बुद्धि में अपने बुद्धि में भी लाने के लिए फिर आप ये सब बातें समझाते हैं। तो ये सभी है समझने की बातें, जो उल्टा पड़ा है उसको सुलटा बनाने के लिए। लेकिन बाप को जानने के लिए तो बड़ी सिंपल बात है, बस बाप है समझना है। इसीलिए बाबा कहते हैं आजकल देखो आप लोग मूल्यों में पढ़ते हो, बस एक ही पॉइंट किससे भी पूछ लो कि तुम्हारा बाप से पिता से क्या कहते हो, नहीं परम पिता तो कहते ही हो, तो अच्छा पिता कहते तो पिता से क्या संबंध रहा, परमात्मा से क्या संबंध रहा, बस वो पिता है ना, पिता है तो वो पिता से क्या मिलेगा, हाँ वर्षा हाँ, तो बस उस पिता का हो कर करके रहो, पिता का क्या होना होता है, बस पिता का हो जाए ना, बच्चा बन जाए पिता का बच्चा, तो बस उनका हो कर करके चलो, उसके लिए तुमको और क्या बैठ कर करके साधन या क्रियाएं या कुछ भी कोई कुछ करने की क्या बात है। बाप के लिए और बाप के वास्ते के लिए कोई क्रियाएं या कोई साधन या कोई इनकी क्या आवश्यकता है, बस बाप का जन्म लिया और जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, बाप के पास जन्म हुआ और जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना ही है उसको, बस ये भी चीज ऐसे ही है। तो देखो कितनी सिंपल और सहज बात है, अगर कोई समझे तो सेकंड की बात है, नहीं समझे तो फिर देखो कितना उसके लिए बैठ करके ये सब है माधा कुटी। तो ये सभी बाप बैठ कर करके अभी समझाते बच्चे, मुझे जानने के लिए पर्सनली मेरे जानने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी भी तुमको तभी ये सब समझना पुरुषार्थ रखना, ये भी तुमने अपना जो उल्टा बनाया है अपने को, तो उसको सुलटा करने के लिए मेहनत है, क्योंकि बहुत पुराने संस्कार तेरे बुद्धि में है ना, तो उसको मिटाना करना वो तेरा ही उल्टा जो भरा है उसको सुलटा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो वैसे तो कोई मेहनत की मेरे जानने के लिए मेहनत नहीं करते हो, मेरा जानना तो बड़ा सिंपल है, बाप हूँ बस और क्या है, उसको सब भूल गए हो अभी पता लगा है, और बाप को बस बाप समझ कर करके मैं उसका पुत्र हूँ ऐसा समझ कर करके बस उसको पकड़ लो, वो संबंध को पकड़ लो, जैसे संबंध पकड़े जाते हैं नहीं, देखो लड़का लड़की है हाँ, फिर जानते तो नहीं है नहीं आपस में, बस उसको खाली संबंध का पता लगा कि ये मेरा भी पति बना, तो बस संबंध पकड़ लिया, नहीं क्या पकड़ा, संबंध पकड़ लिया ना, पकड़ लिया तो बस वो जीवन का साथी, वो जीवन की साथन हाँ, तो बन गए, फिर देखो वो सारा कैसा तो है, तो वैसे तो लड़के लड़कियां ही है, परंतु खाली संबंध का जोर मालूम होने से बस वो जुट जाती है, और जुट जाती है तो जीवन देखो एक दो के प्रति हो जाती है ना, इसी तरह से ये भी हम उनके अभी पता चला है उनके प्रति हमारी जीवन हो चुकी, तो वो लगाना पड़े नहीं संबंध का। तो इसीलिए बाप कहते बच्चे बस मेरे लिए तो सिंपल बात है, बाकी इतनी सब जो भी तुमको जानना अथवा ये सब करना वो तुम्हारी जो उल्टा भरा है नहीं उसको बैठ करके साफ करने के लिए और दूसरों को फिर समझाने के लिए सब तुम्हारा ही जो उल्टा भरा उसकी माता को भी तुम कोई करनी पड़ी, बाकी मेरा जाना तो बड़ा सिंपल है, मुझे जानने में कोई बड़ी थोड़ी है, ऐसा हूँ बड़ा हूँ ये हूँ वो हूँ, नहीं मैं तो देखो क्या हूँ बिंदी हा? कितना छोटा तू तो भी कितनी है उसको क्या जानना है, बस
पता पड़ा कि नहीं हम आत्मा भी ज्योति रूप है, वो भी परमात्मा है, क्या उसका क्या बेहतर के वर्णन करे। हाँ, मनुष्य का भी वर्णन है, दो आंखें है, दो कान है, ये है, इतना इतना वर्णन करना पड़ेगा उनके लिए, तो इतना भी वर्णन है, ज्योति की बिंदी उसमें क्या वर्णन, उसका क्या बेहतर। क्योंकि मेरा तो कोई रूप का भी वर्णन बड़ा नहीं है, और मेरे लिए तो कोई इतना बैठकर कर करके वर्णन करने की कोई बात है ही नहीं। तो ये सारी चीजों को समझने का है, इसीलिए बात कहते हैं बड़ा सिंपल, मेरा नॉलेज बहुत सिंपल। बाकी ये सभी इतनी बातें विस्तार ये सब बातें समझाना, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है ना, इसलिए सब समझाने में आता है। तो ये सब चीजों को अच्छी तरह से बाप बैठकर करके समझाते हैं। तो अभी सिंपल लगता है ना, कोई भारी नहीं है, बहुत सिंपल है, इसीलिए ऐसी सिंपल नॉलेज बाप ही समझा सकते हैं। बाकी बेचारे दूसरे मनुष्य तो देखो कितने बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथ, 18 पुराण, 4 वेद, और फिर और अनेक शास्त्र होंगे। तो देखो कितने कितने ये सब बैठ करके बनाए, देख जब 4 वेद पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, ये करो वो करो, तभी कई कुछ ज्ञान थोड़ा बहुत कुछ बुद्धि में आए। इसीलिए बैठ करके इतना पढ़े तो पहले से है भाई, 4 वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, तभी ज्ञान कोई लगे। परंतु बाप तो कहते इसके लिए तुमको ये वेद या कोई बैठे हठ योग साधना है, क्रिया करनी है, या इतना ये सब, या तो कहेंगे कई जन्म भक्ति करो पीछे ज्ञान, ऐसी ऐसी बातें बता रखी थी ना। इसलिए बाप कहते बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, बाप को पाना ऐसी कठिनताई से ऐसी कोई बात नहीं है। बाप तो बस बाप, तो बच्चा हो जा बस बाप है, बाप को पाने के लिए इतने बैठ कर के मेहनत करने की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु जब स्वयं बाप आता है ना, तब आकर करके सहज करके बतलाते, बाप ही तो सहज करके देगा ना। बाप क्या बच्चे को कहेगा मेरे पाने के लिए तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, क्या कहते मेरे पाने के लिए तुमको क्या करना है, बड़ा सहज। और मैं खुद ही आता हूँ तुमको अपना गोद का बच्चा बनाने के लिए, अथवा एडॉप्टेड बच्चे बनाने के लिए तो मैं खुद ही आता हूँ। तो देखो बाप तो कहते मैं खुद आता हूँ और आकर करके कहता हूँ अभी मेरे बनो। हा? तो फिर बनना चाहिए नहीं, बाप की सुननी चाहिए, और सुनकर कर बाप तो अच्छी बात बतलाते नहीं, और हमारे कल्याण की बतलाते हैं, इसमें नुकसान ही क्या बताए कोई। हा? क्या नुकसान पर है हमारे अपने जीवन में हम देखें तो, क्या नुकसान पर है, कोई नुकसान की तो बात है ही नहीं। अच्छी जीवन, ये भी जीवन अच्छी रही, और जरूर है जो ये जीवन अच्छी है तो उसकी भविष्य भले कोई कहे, चलो कौन कहता है कैसे समझे भविष्य स्वर्ग रहेगा, भविष्य लक्ष्मी बनेंगे, भविष्य ना, चलो परंतु भविष्य अच्छा तो रहेगा ना, अच्छा और क्या रहेगा इस दुनिया में, तो अच्छा ही और कोई है नहीं। हम अगर इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं और यही हमारा है कि नहीं हमको कोई इस दुनिया के धन की या इस दुनिया के मर्तबे की इन सभी, तो इस दुनिया से कोई निराली चीज मिलेगी तो निराली और क्या होंगी, है? जरूर तो निराली तो, और बस यही दूसरी दुनिया का तो फिर यही भविष्य प्रालब्ध है नहीं, और क्या है। तो भले ये समझते तो है ना कि नहीं ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमको यहाँ धनवान बनने का पुरुषार्थ नहीं है, ये कोई हम मर्तबे पाए इस दुनिया में, इस दुनिया के मर्तबे वाले भी देख लिए हैं, इस दुनिया का सब देख लिया, तो उसके लिए तो नहीं है ना। ये पुरुषार्थ नया है, और नई कोई चीज पाने तो नई क्या और पाएंगे, जब नई दुनिया की पाएंगे ना, और जानते हैं नई दुनिया भी अभी आने की है, अभी टाइम भी देख रहे हैं और आसार भी सामने है। अभी ये तो कोई कल्पना कहे या कोई कहे कि नहीं ये तो सब बनावटी अपना बातें बना रखी है, इसमें अपने बनाने की क्या बात है, इसमें तो ये तो प्रैक्टिकल है ना, सामने समय भी दिखाई दे रहा है, आसार भी नजर आते जाते हैं, वो भी तो विवेक और बुद्धि, वो तो बड़े बड़े लिखे पड़े साइंसदान भी खुद कहते हैं कि ये सब दुनिया की हालात दिखाई दे रही है, यहाँ दुनिया का डिस्ट्रक्शन है, वो तो कॉमन बुद्धि भी अभी जो भी है पढ़े लिखे समझते हैं, तो हाँ वो तो बुद्धि कह रही है, इसमें तो ऐसी नहीं कोई हम अपनी कल्पना लगाते हैं, नहीं सो भी आसार देखते जाए, और इधर ये भी देखते हैं कि इतना जो उच्च पुरुषार्थ है, जो पुरुषार्थ करते आए हैं वो तो दूसरे पुरुषार्थ है ना, धन के लिए, पुत्र के लिए, या दुनिया में मर्तबे के लिए, या जो भी कुछ किया है उनका फल है, अभी ये तो पुरुषार्थ थी निराला। हम तो देश है देह के सर्व संबंध बुद्धि हटा करके बाप से लगाते हैं वो नई चीज पाने के लिए, कि हमको इस दुनिया का नहीं, तो हमारा इस दुनिया से तो कोई
रहा ही नहीं ना, हमारा है नहीं तो जरूर है नहीं दुनिया का, तो नहीं दुनिया में मिलेगा और मिलेगा, जानते हैं कि जरूर दुनिया का परिवर्तन, दुनिया ही दिखा रही है कि दुनिया का परिवर्तन होने का है, तो अभी जरूर है कि उसी में ही तो पाएंगे ना। तो इसमें तो कोई ऐसी भी मुझने की कौन कहता है कैसा स्वर्ग, कौन कहता है भला ऐसी ऐसी दुनिया रहेगी तब कितना समय रहेगी, इसी तरह से चलते रहे ये भी कोई दुनिया होती है। तो जरूर है कि दुनिया की कंडीशन जैसे हमारे लाइफ में, हम इतने छोटी लाइफ में भी देखें दुनिया की चेंज होती आई है, हमारे इतनी लाइफ में भी चेंज है, हम देखते थे अनाज, हाँ हमारी लाइफ में देखें कि कितने भाई गेहूं इतने हैं, बाबा की लाइफ में देखो, बाबा तो कहते हैं हम भी सौदा करते थे और सीधे बात का पहले काम जवाड़ी काम तो पीछे उठाया था, पहले हम ये सीधे का काम भी किया सीधा, समझते हो जो अनाज बेचने वाला, हाँ तो उनके बाप का या कुछ ऐसा था बाबा के तो उनका कहते तो उसी दुकान पर भी हम, तो बाबा भी कहते हैं कि पता नहीं गेहूं कितने बतलाते हैं कि इतना दाम सस्ता, आज तो देखो गेहूं नहीं मिलती, चावल नहीं मिलता, फलार नहीं होता, ये नहीं होता, देखो कितना, तो एक थोड़े वर्षों की बातों में भी देखो एक ही आयु में भी कितना डिफरेंस है, हमारे देश विदेश से भी जो चीजें कितनी हमको मिलती थी आज देखो सब दुनिया का, अब का टाइम ये टाइम कहाँ तक जाकर के अपना क्या होगा, और ये हमारी हिस्ट्रीज भी हमको बतलाती हैं, चाहे शास्त्र के कुछ चिन्ह भी हमको दिखलाते हैं कि दुनिया का चेंज कैसे होता आया है, वो उसी तरीके का भी टाइम आकर करके पहुंच जाए। तो ये सभी बातें अगर कोई विचारवान विचार शक्ति पूरी लगा करके और उसी ढंग से सोचे समझे ना, तो अब बाकी अभी तो दृष्टि मिली है, त्रिकाल दर्शी बाप ने तीनों कालों का बैठ कर करके नॉलेज क्लियर दिया और इसी बातों को लेकर करके अच्छी तरह से कोई सोचे और समझे बैठ करके तो आएगा उनको कि हाँ, क्योंकि अभी तीन काल की दृष्टि मिली है, तीनों कालों को काल समझते हो ना, टाइम काल कहा जाता है टाइम को, तो अभी तीन काल यानी आदि मध्य अंत, कि हम आदि कहाँ से आए, फिर कैसा मध्य में फिर चेंज आया, ये माया का राज्य आया, फिर कैसे अभी उसकी भी एंड होगी ना, आई है जो चीज फिर जाएंगी भी, जिसको आना है वो जाना भी है, ये तो अनादि चक्कर का खेल ही है। तो माया का राज आया ना, ऐसे तो नहीं है ना शुरू से सदा से ही था, आया आया तो फिर जाएगा भी ना, फिर जैसा था वैसा होगा, ये तो गीता में भी वर्णन है कि ये राजे और हम और तुम आगे भी थे, मिले थे, अभी भी मिले हैं, फिर मिलेंगे, ऐसा कहा है नहीं, तो ये रिपीट होता है और ये कैसा चक्कर चलता है, इसी सभी राजों को भी समझना है नहीं। तो ये अभी आई है, ये कलयुग कई बार आया है, पर ये होगा करके फिर सतयुग बना है, तो सतयुग का भी तो जरूर टाइम, जैसे कलयुग का भी टाइम चला है नहीं, इतना टाइम चला है हम इस तमोपदान अवस्था में होते, दुख शांति को आज की थोड़ी है, चलती आई है, बढ़ती 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 चलती जाए, इसी तरह से हमारा सुख शांति का भी तो जनरेशन में चलने का होगा ना समा। तो ये सभी चीजों को बार बार करके समझाते हैं कि इन सब बातों को, नियमों को, हर चीज का अपना अपना नियम है, आकाश किस तरह का है इसका अपना नियम है, पानी का अपना है नियम, पृथ्वी अपना है, हर एक चीज जो बनावट है उसका अपना अपना है, इसी से कैसा होता है इसका भी परिवर्तन, ये सभी बातें तो बाप कहते हैं हर चीज को हर जैसी है उसी को वैसा जानना, उसको कहा जाता है ज्ञान, ऐसे नहीं है, है ऐसी और उसको कैसे भी जाने कुछ भी समझे, ये कोई समझ थोड़ी होती है, हाँ ये है क्या है कौन है इसको हम क्या भी कहें क्या भी समझे तो बस ये समझ है नहीं, जो है जैसी है जो 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 है उसी को उसी तरीके से समझना, भाई हमको पहचान है इसकी, भाई ये हाँ कौन है, ये फलाना है ये फलाना है, तो जो जैसा है उसकी जैसी जैसी ओरिजिनल जो है वो पहचान, कोई पहचान कहेंगे नहीं, बाकी कैसे भी जाने का बस हाँ ऐसा नहीं है ऐसा, कैसे भी जानो कुछ भी समझो तो ऐसे ही बस ऐसे ही जानना, उसको जानना तो नहीं कहेंगे ना, इसीलिए परमात्मा ने भी कहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे उसी तरीके से ही जानना, उसका नाम ही तो ज्ञान है, तो इसीलिए वो यथार्थ नॉलेज और यथार्थ समझ जो जैसा है उसकी नॉलेज तो मैं ही दूंगा नहीं, मैं अपनी भी दूंगा और दूसरों को भी मैं दूंगा, तो मेरी क्रिएशन है नहीं, मैं जानता हूँ सबको, मैं तो सबको जानता हूँ, मुझे मुझे ही तो भूले हो ना, अपने को भी भूले हो तो मुझे भी भूले हो, अपने को ही नहीं जानते तो मुझे क्या जानेंगे, हा?
सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं है तो गॉड रियलाइजेशन क्या होगी। जिसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, सेल्फ को नहीं जानते हैं तो गॉड को क्या जानेंगे। तो अपने को ही नहीं जानते, अपने को नहीं जानते हो तो तुम्हारे लाइफ से सिद्ध है। अगर जानते तो लाइफ तुम्हारी खड़ी होती अच्छी। बाप ऐसा कहेंगे ना, अगर सेल्फ रियलाइजेशन है कि हाँ मनुष्य क्या है तो मनुष्य की लाइफ कितनी ऊंची होती। नहीं जानते हो तभी तो दुख अशांति में, पर तुम्हारा न जाना तुम्हारे लाइफ से सिद्ध है। हाँ, तुम्हारी लाइफ दुख अशांति में पड़ी है, वही सिद्ध दिखलाते हैं, तुम अपने लाइफ को नहीं जानते हो। तो जिसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है वो गॉड रियलाइजेशन क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अपने को समझो अच्छी तरह से, और तुमको तुम्हारी समझ और मैं अपनी समझ नहीं दे सकता। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझते और अच्छी तरह से बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने का अभी लगा और लगा कर सकते हो। बाप से अच्छी तरह से वेद का वर्षा प्राप्त करो तो लेना चाहिए ना, तो लग जा। बाकी ऐसी ऐसी बातों में मूझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप है, बाप से अपना लेना है, लेना भी जरूर। कर्म अच्छे करेंगे तब लेंगे, मुफ्त में थोड़ी मिलेगा। हाँ, बाप है तो क्या ऐसे ही देगा नहीं। ये बाप वो बाप भले कह गया जैसा वैसा चलो नहीं, ये बाप तो फिर है इसका है ही किया तो बनेगी। इसीलिए तो बाप ने बैठकर करके कहा नहीं बच्चे ये सब विकारों को और इन सब बातों को छोड़ो, इन सब बातों से निकलो। तो ये सभी समझने का है ना। आकर करके बुद्धि योग हटाती छोड़ के कहा जाएंगे दुनिया में तो होंगे नहीं, छोड़ के कहा जाएंगे इधर भी जाएंगे दुनिया में तो होंगे ना। परंतु बाप कहते बुद्धि से इसकी आसक्ति ममता छोड़ो। तो बुद्धि से छोड़ेंगे तो फिर तुम्हारे बुद्धि बल से फिर प्रैक्टिकल में नई दुनिया बसाऊंगा, इधर हटा तेरे लिए नई दुनिया बनाऊंगा। तभी देखो नई दुनिया बना रही है, अभी चलना है नई दुनिया में। उसके लिए देखो बाप भी या बनाने वाला भी नया, कोई मनुष्य तो नहीं है ना। इतना समय हमको मनुष्य सुनाते हैं, अभी उनकी सुनते हैं परमात्मा की। तो अभी बाप सुनाता है तो उनका सुनाने वाला भी नया और बातें भी नहीं है। हा? देखो नई बातें नहीं जो सुनते आए, परमात्मा सर्वव्यापी है फलाना है ये बातें जो भी कुछ सुनते आए। अभी बाप आकर कर करके सब बातें नहीं कि नहीं मेरा धाम है, मैं अपने घर का निवासी हूँ, मेरा घर है ठिकाना ऐसे थोड़ी सब मेरा कोई ठिकाने नहीं, सब में वासी हूँ। हा? नहीं, हाँ सब में मेरी याद है, वो बात एक अलग है। बाकी मैं तो जो हूँ वो तो मेरा अपना निराकारी दुनिया का निवासी हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन ये है। मैं ऐसे वो सब बात बैठ कर करके बाप समझाते।